हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, हमने इंडिया के रिवर्स पढ़े हैं तो एक टॉपिक है यानी कि लेक्स ऑफ इंडिया। तो लेक्स बड़ा जरूरी टॉपिक है और यहां से भी एटलीस्ट एक सवाल पेपर में आएगा। अब लेक से क्या सवाल आएगा, सबसे पहले तो इंडिया की कौन कौन सी लेक्स हैं, लंबी बड़ी छोटी ऊंची, ये सवाल आता है। फिर उसके बाद कौन सी लेक कौन से स्टेट में है, यहां से सवाल आता है। तो हम दोनों तरीके के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। हेडिंग डालो लेक्स और लिखो लेक्स के लिए पॉइंट नंबर वन। और आपका मैप बनाना भी जरूरी है क्योंकि जब आप चीजों को मैप में रिप्रेजेंट करते हो तो आपको चीजें अच्छे से विजुअलाइज होती हैं। जब आपको चीजें अच्छे से विजुअलाइज होती हैं तभी आपको चीजें याद होती हैं। तो मकसद चीजों को याद करना है, इसलिए मैप बनाना जरूरी है। लेक्स में लिखो सबसे पहले पॉइंट नंबर वन, स्टडी ऑफ लेक्स। स्टडी ऑफ लेक्स इज नोन एज लिम्नोलॉजी। स्टडी ऑफ लेक्स इज नोन एज लिम्नोलॉजी। पॉइंट नंबर टू, आपको दिख रहा होगा शायद, मैं उम्मीद करता हूं, मैं थोड़ा छोटा लिखता हूं तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दिख रहा होगा। स्टडी ऑफ लेक्स इज नोन एज लिम्नोलॉजी, पॉइंट नंबर टू। कंट्री ऑफ थाउजेंड लेक्स, किसको बोलते हैं कंट्री ऑफ थाउजेंड लेक्स, फिनलैंड को बोलते हैं। ये JKSSB का सवाल है, फिनलैंड को बोलते हैं कंट्री ऑफ थाउजेंड लेक्स। फिर उसके बाद लिखेंगे आप सिटी ऑफ लेक्स, किसको बोलते हैं सिटी ऑफ लेक्स, तो सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं राजस्थान में उदयपुर को, राजस्थान में उदयपुर को बोलते हैं सिटी ऑफ लेक्स। लीजिए बच्चे लोगों, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे ही मजा लीजिए ठंडा पीने का, मैं ठंडा पीऊंगा, आप देखो। चलो मजा आ गया, बस इतना काफी है। तो स्टडी ऑफ लेक्स को क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ लेक किसको बोलते हैं, उदयपुर को। और मेरे प्यारे बच्चों, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, तो उत्तराखंड में नैनीताल को बोलते हैं लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। चलो अब मैंने आपको ये चार पॉइंट्स पढ़ा दिए हैं, जल्दी से ये चार अपनी कॉपी पे लिखो उतारो, फिर हम मैप पे आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये लिख दिया है। चलो जी अब और आगे चलते हैं मैप पे। मैप आप दो मैप बना दो तो ज्यादा बेहतर है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहले आप मेरे साथ बताओ आपने क्या क्या याद हो गया आपको। स्टडी ऑफ लेक्स फिनलैंड, स्टडी ऑफ लेक्स लिम्नोलॉजी, मैंने कहीं गलत तो नहीं लिख दिया कुछ, हाँ ठीक है, स्टडी ऑफ लेक्स लिम्नोलॉजी, कंट्री ऑफ थाउजेंड लेक फिनलैंड, डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स उदयपुर, लेक ना सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया उदयपुर। देखो यार क्या मैं क्या बोलता रहता हूं पता नहीं, दो मिनट के लिए भूल जाओ, मुझे ठंडा पीने दो। सुनो अपनी कॉपी के साथ मैच करो, स्टडी ऑफ लेक्स लिम्नोलॉजी, कंट्री ऑफ थाउजेंड लेक्स फिनलैंड, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया नैनीताल, सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर। चलो अब हो गया क्लियर। अब मेरे प्यारे बच्चों आप एक बार आ जाओ अपने मैप पे और देखो यहां पे है, ये कौन सा स्टेट है,
मैं इसको इतने को मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये आ गया जी, ये वाला जो ये जो मैं रेड कलर का मार्क किया है, ये है सिक्किम। सिक्किम में ये एक लेक है, इस लेक का नाम है सो लोमो लेक। क्या नाम है इसका? सो लोमो लेक। इसी लेक का एक और नाम है चो लोमो लेक। तो मेरे प्यारे बच्चों, पेपर में आएगा इंडिया की सबसे ऊंची लेक कौन सी है, तो हाईएस्ट लेक इंडिया की कौन सी है, तो सबसे ऊंची लेक है सो लोमो लेक, या इसी को बोलते हैं चो लोमो लेक। रुखसाना के पास सो लोमो लेक या चो लोमो लेक को बोलते हैं हाईएस्ट लेक। मैंने ठंडा पी लिया है और आपने देख भी लिया है, बस इससे ऊपर मेरे लिए खुशकिस्मती की क्या बात हो सकती है। देखो जी, अगर पेपर में आए इंडिया की सबसे ऊंची लेक कौन सी है, तो इंडिया की सबसे ऊंची लेक कौन सी है, सो लोमो लेक या चो लोमो लेक। मगर जेकेएसएसबी डेटा एंट्री ऑपरेटर 2023 के पेपर में पूछा गया विच ऑफ दी फॉलोइंग इज हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया, तो बदकिस्मती से ना ये ऑप्शन में था ना ये ऑप्शन में था। अब क्या करना है, किसकी मां को मासी बोलना है, आखिर कहां जाना है? तो कहीं नहीं जाना है, यहीं आना है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, सिक्किम में एक और लेक है, इस लेक का नाम है गुरु डोंगमर लेक। क्या नाम है इसका? गुरु डोंगमर लेक। अगर कभी पेपर में यह सवाल आ जाए कि इंडिया की सबसे ऊंची लेक कौन सी है, तो पहला आंसर होगा ये, दूसरा आंसर होगा ये। यानी कि अगर पेपर में ये वाला नाम होगा तो यही आंसर आएगा, ये नहीं होगा तो ये आंसर आएगा। अब आपके जहन में आ रहा है सवाल, मास्टर जी दोनों होंगे तो क्या करना है? दोनों होंगे तो पहले वाले को टिक करना है, और क्या करना है? चलो, एक नंबर का सवाल आपके लिए प्रेजेंट कर दिया गया है स्क्रीन पे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगर पेपर में आए इंडिया की या एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो इंडिया की या एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है हमारे हिंदुस्तान में कश्मीर में वुलर लेक। वुलर लेक, अगर आपने जेएंडके जीके में लेक वाला टॉपिक पढ़ा है तो ठीक, नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ो। आ गया जी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक वुलर लेक। इसके अलावा एक और फ्रेश वाटर लेक है बिहार में, इसका नाम है कन्वर ताल लेक। कन्वर ताल लेक, इसको कन्वर ताल भी बोलते हैं और इसको कब्बार ताल भी बोलते हैं। ये लेक बिहार में है और इसके बारे में आपने लिखना है ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है। ये लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है और वुलर लेक सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है
मगर ये टेक्टोनिक प्लेट लेक है। टेक्टोनिक प्लेट का मतलब ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज से बनी हुई है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने अभी तक इस हिंदुस्तान के मैप में कौन कौन सी लेक्स पढ़ दी हैं। अभी तक हमने इंडिया की सबसे ऊंची लेक और सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक और सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट लेक। आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि मास्टर ये टेक्टोनिक प्लेट क्या, ना सॉरी ऑक्सबो क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, याद करो वो दिन जब मैंने आपको रिवर्स पढ़ाए थे, तब मैंने आपको बोला था कि जब रिवर अपने आप को इस तरह बेंड करता है और कुछ सालों के बाद ये रिवर अपने आप को और बेंड करता है, फिर कुछ सालों के बाद ये रिवर अपने आप को और बेंड करता है। अगर आप मेरी नजर से देखेंगे तो यहां पे फोर्स ज्यादा लगी, यहां पे फोर्स ज्यादा लगी, यहां पे फोर्स ज्यादा लगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक वक्त आएगा जब रिवर ऐसे चलेगा और ये वाला एरिया साइड पे हो जाएगा। तो ये जो ऊपर से लेके यहां तक काम हुए, इसको बोलते हैं मियांडरिंग। क्या बोलते हैं? मियांडरिंग ऑफ रिवर्स। मियांडरिंग के टाइम जब ये जगह ये अलग बच गई, पानी वाली जगह अलग बच गई, इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। तो ऑक्सबो लेक का मतलब रिवर के मियांडरिंग करते वक्त जो लेक बनती है उसका नाम है क्या? ऑक्सबो लेक। चलो जी, आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। आपको पता चल गया सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक कौन सी है? कनवरताल। और सबसे बड़ी फ्रेश वाटर टेक्टोनिक प्लेट लेक कौन सी है? वुलर लेक। और आगे चलें, आप ये लिख लो, मैं साइड होता हूं, और ये लिख लो पहले, फिर इसके बाद मुझे इसमें से कुछ इरेज भी करना पड़ेगा। चलिए जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बच्चों ने ये लिख लिया है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, यहां एक स्टेट है ओडिशा, ये है जी ओडिशा। तो पहले आप ये जो मैं इतना एरिया है, आप इतने एरिया में मेरी बातें सुनिए। ये और ये दोनों कोई लैंड है, ये भी लैंड एरिया है, ये भी लैंड एरिया है। इस वाले लैंड एरिया में ग्रास है, यहां पे कोई भी ग्रास नहीं है। जब यहां पे बारिश आएगी तो ये ग्रास बारिश को एब्जॉर्ब करेगा, पानी नीचे आ जाएगा, इससे वाटर टेबल बढ़ जाएगा। यहां पे जब बारिश आएगी, पानी बह जाएगा, साइल इरोजन होगा, तो साइल इरोजन की वजह से मिट्टी बह जाएगी। तो आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, ये वाला सिनेरियो ज्यादा अच्छा है या ये वाला सिनेरियो ज्यादा अच्छा है? अब आप बोलेंगे मास्टर जी बिल्कुल सही बात है, यहां पे ग्रास होना चाहिए ताकि पानी एब्जॉर्ब रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 फरवरी 1971 ईरान की एक सिटी रामसर में यह बात बोली गई कि जिस जगह में ऐसी ऐसा वेटलैंड है, हम उनकी प्रोटेक्शन करेंगे। और 1984 में हिंदुस्तान के उड़ीसा में एक लेक है जिसका नाम है चिल्का लेक। इस चिल्का लेक को हिंदुस्तान की पहली रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। चिल्का लेक के बारे में आप क्या जानते हैं? फर्स्ट रामसर साइट, हिंदुस्तान की पहली रामसर साइट कौन सी है? चिल्का लेक। दूसरी बात, यहां से समंदर का पानी वेव अंदर आई, लेक बन गया। पानी अंदर आया, लेक बन गई। पानी अंदर आया, लेक बन गई। ऐसी लेक को बोलते हैं कोस्टल लगून। ऐसी लेक को क्या बोलते हैं? कोस्टल लगून। पेपर में सवाल आएगा, बहुत बार एसएससी ने पूछा, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज
लार्जेस्ट कोस्टल लगून ऑफ इंडिया, तो आंसर क्या होगा? चिल्का लेक। और ये इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि ओडिशा के पूरे खुर्दा गुंजन तीन डिस्ट्रिक्टों में समाई हुई है। आप इमेजिन करो, एक लेक सांबा में भी हो, कठुआ में भी हो, जम्मू में भी हो, तो कितनी बड़ी होगी वो लेक। तो मेरे प्यारे बच्चों, चिल्का लेक इतनी बड़ी है कि ओडिशा के तीन स्टेट्स में है। और चिल्का लेक के बारे में एक बात आपने याद रखनी है, चिल्का लेक इज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक। ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है खारे पानी वाली लेक। चलिए मैं आपके सामने से साइड होता हूं और जितना मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है इतना आप लिख लो। चलिए लिख लिया। अब अगर कभी पेपर में ये सवाल आ जाए कि सबसे बड़ी कोस्टल लगून कौन सी है और चिल्का लेक ऑप्शन में ना हो, तब आखिर क्या करें? किसकी मां को मासी बोलें? कहां जाएं? तो कहीं नहीं जाना है, आपने आना आंध्र प्रदेश में। यहां पे एक लेक है, इसका नाम है पोलिकट लेक। तो मेरे प्यारे बच्चों, पोलिकट लेक के बारे में आपने क्या क्या बातें याद रखनी है। ये हिंदुस्तान की सेकंड लार्जेस्ट कोस्टल लगून है। एल मतलब लगून। तो पहली बड़ी कोस्टल लगून चिल्का, दूसरी बड़ी कोस्टल लगून पोलिकट। ये पोलिकट कहां लाई करती है? ये पोलिकट मेरे प्यारे बच्चों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लाई करती है। अगर हमें दोनों में से एक को चुनना हो तो आंध्र प्रदेश में ये 90% लाई करती है, तमिलनाडु में 10% लाई करती है। तो आंसर क्या होगा? आप खुद समझदार हैं क्या? आंध्र प्रदेश। वेरी गुड, बड़ी खुशी मिलती है मुझे आप जैसे काबिल बच्चों के साथ मिलके। चलो इतना लिख दिया और आगे चले, लिखते जाओ मेरे साथ साथ, नोट करते जाओ। अब मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं केरला में। केरला में यहां पे एक लेक है, इस लेक का नाम है अस्थामुड़ी। इस लेक का नाम है अस्थामुड़ी। अस्थामुड़ी लेक को बोला जाता है क्वीन ऑफ अरेबियन सी। अस्थामुड़ी को क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ अरेबियन सी। रिसेंटली जेकेएसएसबी ने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज नोन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी, तो किसको बोलते हैं? अस्थामुड़ी लेक को। अब और चलते हैं केरला में मेरे प्यारे बच्चों। पहली बार मोहब्बत, चलो ये हिल जाएगा, इसको टच नहीं करते। अब मेरे प्यारे बच्चों केरला में एक लेक ये वाली है। अब आपने यहां मैं बनाता हूं रेड कलर से ताकि आपको दिखे, ये मैंने एक लेक बना दी, ये यूं करके दिखाओ, चलो यूं करके दिखाओ, ये मैंने लेक बना दी। रेड कलर की लेक आपको दिख रही है। अब इस लेक के बारे में हम ज्ञान बांटेंगे। देखो जी, ये जो रेड कलर की लेक है ये आगे जी ये वाली लेक यहां बनाना, आप भी अपने नोट्स में ऐसे ही बनाना अलग करके। अब इस लेक के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, क्या क्या बातें। सबसे पहले तो इसका नाम है वेम्बनंद लेक। क्या नाम है जी? वेम्बनंद लेक। जब मैंने आपको रिवर पढ़ाए हैं तब मैंने आपको पढ़ाया है इस वेम्बनंद लेक में एक रिवर गिरता है, इस रिवर का नाम है पंबा रिवर। तो पेपर में सवाल आएगा बताओ पंबा रिवर किस लेक में गिरता है, तो पंबा रिवर वेम्बनंद लेक में गिरता है। अब वेम्बनंद लेक के बारे में पेपर में क्या क्या सवाल आ सकता है बताओ जी। वेम्बनंद लेक को केरला में क्या बोलते हैं? तो वेम्बनंद लेक को केरला में कायल बोलते हैं। वेम्बनंद लेक को केरला में कायल बोलते हैं। वेम्बनंद लेक की लंबाई 92 से 96 किलोमीटर है,
तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो विम्बनंद लेक है, ये हिंदुस्तान की सबसे लंबी लेक है। हिंदुस्तान की सबसे लंबी लेक, मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, मेरे साथ साथ नोट बनाओ। हिंदुस्तान की सबसे लंबी लेक कौन सी है? विम्बनंद लेक। विम्बनंद लेक में के बारे में और ज्ञान डालते हैं। विम्बनंद लेक के अंदर एक ट्रॉफी खेली जाती है, नेहरू ट्रॉफी रेस। विम्बनंद लेक के अंदर क्या होता है? नेहरू ट्रॉफी रेस खेली जाती है। अब पेपर में सवाल आएगा, नेहरू ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद। अगर आपने पुराने पेपर देखे हूं तो आपने पेपर में देखा होगा, पूछा जाता है सवाल, ईरानी कॉपीज एसोसिएटेड विद, पेपर में पूछा जाता दुरंद कॉपीज एसोसिएटेड विद, सैयद आगा हसन ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद, ढेर सारे कप एंड ट्रॉफी आते हैं, वही पेपर में आएगा नेहरू ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद। तो लेक के अंदर कोई क्रिकेट तो खेलता नहीं है, लेक के अंदर कोई फुटबॉल तो खेलता नहीं है, लेक के अंदर बोटिंग की रेस खेली जाती है। अगर आपने वो फिल्म देखी हो टाइगर श्रॉफ की और श्रद्धा कपूर की, उसमें वो जो हीरो होता है वो ऐसे 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 तेज तेज कश्ती चलाता है, श्रद्धा कपूर उसको देख के ऐसे करती, फिर धीरे धीरे उनके बीच में प्यार हो जाता है, तो वो नेहरू ट्रॉफी रेस खेली जाती है। तो नेहरू ट्रॉफी रेस कहाँ खेली जाती है? विम्बनंद लेक में। और थोड़ा सा अगर मैं आपको और ज्ञान बांटूं तो आपको बड़ी खुशी होगी ये जान के, इस लेक के किनारे पे यहां पे एक सी पोर्ट है, इस सी पोर्ट का नाम है कोची सी पोर्ट। इस सी पोर्ट का क्या नाम है? कोची सी पोर्ट, ठीक है जी। अब एक मेरी बात सुनिए, अगर पेपर में आए विच लेक इज नोन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी, तो आंसर आएगा अस्थामुड़ी लेक। अगर पेपर में सवाल आ जाए विच सी पोर्ट इज नोन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी, तो आंसर होगा कोची सी पोर्ट। मैं यहां पे लिख देता हूं क्यून ऑफ अरेबियन, एक मिनट, ये बैटरी तो नहीं डेड हो गई इसकी, क्यून ऑफ अरेबियन सी, छोटा छोटा लिखा है आप पढ़ लेना, क्यून ऑफ अरेबियन सी। किस सी पोर्ट को बोलते हैं? कोची सी पोर्ट को। किस लेक को बोलते हैं? अस्थामुड़ी लेक को। दोनों आपको पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, और थोड़ा सा ज्ञान बांटे इसके बारे में, इस लेक के अंदर यहां पे ये, इस लेक के अंदर ये है एक आइलैंड, इस आइलैंड का नाम है, इस आइलैंड का नाम है वेलिंगडन आइलैंड। इस आइलैंड का क्या नाम है? वेलिंगडन आइलैंड। मैं जरा छोटा लिखता हूं, आपने अपनी वीडियो की क्लेरिटी को बढ़ाना है, 480 या 720 पिक्सल पे आपने देखना है, तब आपको याद होगा। ये हो गया जी वेलिंगडन आइलैंड। इस वेलिंगडन आइलैंड और यहां पे ये, इस जगह का नाम है कुंदनूर, जगह का नाम है कुंदनूर। इन दोनों के बीच मेरे प्यारे बच्चों एक रोड बनी हुई है, ये 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 ऐसे करके एक रोड बनी हुई है, और ये जो रोड बनी है, इस रोड का पुराना नाम था नेशनल हाईवे 47A, अब इसका नया नाम है नेशनल हाईवे 966B। ये याद रखना, ये पुराना नाम है और ये न्यू नेम है, ठीक है जी। इसको बोलते हैं फ्लोटिंग नेशनल हाईवे। तो पेपर में सवाल आएगा विच ऑफ दी फॉलोइंग इज फ्लोटिंग नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे 966B कहां लाई करती है? विम्बनंद लेक के अंदर। और विम्बनंद लेक में ये हो गया जी, इतनी बातें हो गई। तो और भी इसके बारे में हम आपको ज्ञान बांट सकते हैं, मगर ज्यादा खिचड़ी पक जाएगी, इसलिए ज्यादा ज्ञान नहीं बांटते। चलो जी, अब इतना आप लिख लो, इतना लिख लो, मैं साइड होता हूं, पूरा लिख के मैं आपको भी रिवाइज भी कराऊंगा।
अब मेरे प्यारे बच्चों आगे आते हैं थोड़ा सारा और ऊपर, अगर आप इजाजत देते हो तो मैं इसको साफ कर लेता हूं। इतने को हम साफ कर लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों और आगे चलते हैं। यहां पे कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक लेक है, इस लेक का नाम है, इस लेक का नाम है लोनार लेक। इसका नाम है लोनार लेक। अभी रिसेंटली पेपर में पूछा गया, लोनार लेक दुनिया की सबसे बड़ी क्रेटर लेक है। क्रेटर या इसको मीटोराइट लेक भी बोलते हैं। ये मैं इसको डब्बे में रखता हूं, ये यहां पे ये लेक है, ये दुनिया की सबसे बड़ी क्रेटर या मीटोराइट लेक है। क्रेटर का मतलब है लावा से बनी, मीटोराइट का मतलब है कोई आसमान से मीटोराइट हेवनली बॉडी के गिरने से बनी है। ये इंडिया की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी क्रेटर लेक है, तो पेपर में पूछा जाएगा, याद रखना। अभी अभी जेकेएसएसबी में ये सवाल आया है अभी रिसेंटली। और आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये है राजस्थान। राजस्थान में ढेर सारी लेक लाई करती हैं, दिदवाना लेक, लूनकरण सागर लेक, नक्की लेक, जैसामंद लेक, फतेह सागर लेक, और ये और ढेर सारी लेक हैं राजस्थान में। मगर इनमें से एक लेक ये वाली है, इसका नाम है, इसका नाम है, मुझे नाम भूल गया है इसका, अभी याद आएगा, सांबर लेक, याद आ गया, याद आ गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सांबर लेक। और सांबर लेक इंडिया की सबसे ज्यादा मोस्ट सेलाइन लेक है। अगर पेपर में आए इंडिया की सबसे ज्यादा सेलाइन लेक कौन सी है, खारे पानी वाली लेक कौन सी है, तो आंसर आएगा सांबर लेक। एक लेक और पढ़ा दूं आपको, इजाजत हो अगर आपकी तो। यहां पे यूपी में एक लेक है, इसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक। मैं इसको कहां पे लिखूं, यहां पे लिख देता हूं, दिख रहा ना आपको, इसका नाम है गोविंद वल्लभ, वी ए एल एल ए बी, गोविंद वल्लभ पंत लेक। और मेरे प्यारे बच्चों गोविंद वल्लभ पंत लेक जो है ये सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, खुद बनाई हुई, गोविंद वल्लभ पंत आर्टिफिशियल लेक है। तो ये था आज का लेक्चर वन, यानी कि लेक्चर वन मतलब लेक्स में पहला लेक्चर। तो इसको मैं जरा समेट लेता हूं यहां पे, देखो ये मैंने आपको इंडिया की सुपरलेटिव डिग्रीज पढ़ाई हैं, तो मैं साइड हो जाता हूं, आप ये उतार लो वीडियो को धीरे धीरे करके, स्लो स्लो करके। अगर कोई, अब मैं देखता हूं कौन सी लेक बच गई है, तो ज्यादातर तो नहीं बची हैं। अब मुझे आपको बाकी लेक्स पढ़ानी है इंडिया की। ये मैंने अभी आपको पढ़ा दी सुपरलेटिव, सबसे बड़ी, सबसे ऊंची, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर, फलाना डिमका, ये पढ़ा दिया। कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा या मुझे बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो इसके अलावा एक दूसरा लेक्चर आएगा, अगर आप हमारी वेबसाइट में विजिट नहीं किए हैं तो वेबसाइट में आ जाओ, वहां पे टेस्ट सीरीज चल रही है। ऑफलाइन क्लासेस हर ट्यूसडे को बैच बैठता है, तो ऑफलाइन ट्यूसडे को बैच अटेंड कीजिए, डेमो लेक्चर लीजिए। आप मुझे यूट्यूबर मत समझिए, मैं यूट्यूबर नहीं हूं, यूट्यूब पे पढ़ाने वाला नहीं हूं मैं, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि हम जॉब अड्डा में ऑफलाइन बच्चों को डील करते हैं। हर दिन के 400-500 एवरेज बच्चा यहां पे पढ़ता है, तो जो टीचर ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता है उसको ज्यादा तजुर्बा होता है, क्योंकि वो हर किस्म के बच्चों के साथ मिलता है। आप यूजलेस चीजें भी नहीं पढ़ना, सिलेक्शन के लिए क्या पढ़ना है ये जरूरी है, क्या नहीं पढ़ना ये भी बड़ा जरूरी है कि नहीं है। तो हमारी ऐप में पीडीएफ हैं, स्टडी मटेरियल हैं, टेस्ट सीरीज हैं, वेबसाइट में आप गूगल पे जॉब अड्डा इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए, सारे पीडीएफ फ्री अवेलेबल हैं वहां पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं। तो आज का भी थोड़ी इतना ही रखते हैं, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।